जगजीत बेदी हियर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम पॉट के ऊपर, छोटे छोटे पॉट्स होते हैं जो बच्चों के प्लांट लगाने के पॉट्स के ऊपर, कुछ क्राफ्ट वर्क करके इसे डिफरेंट बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये प्लेन है, इतने सारे हैं, ये सब प्लेन है, तो हम इनके ऊपर अलग अलग तरीके से क्राफ्ट वर्क करेंगे। ये मैंने ब्लैक कलर लिया सबसे पहले, और ये मेरे पास मैपल लीव्स हैं, मेरे पास थोड़ी सी ये मैपल लीव्स पड़ी हैं, तो मैं इसके ऊपर लगाकर इसको बताऊंगी आपको कि कितना डिफरेंट हो जाता है। ये देखिए मैंने ग्लू लगाई और इस तरह से डिफरेंट शेप में लगा दिया, फिर से ग्लू लगाई यहाँ पर, ऊपर लगाई, एक बार ऊपर लगाई, एक बार नीचे लगाई, इस तरह से मैंने इसको अलग अलग शेप में घुमा देना। आपकी मर्जी, आप किधर भी इसका मुंह रखें, किधर भी शेप रखें, और बस वो ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर हो जाएगी। देखिए इस तरह से, ये देखिए बहुत डिफरेंट हो जाता है। बच्चे अपने टेबल पर रखते हैं प्लांट को, अपने टेबल पर रखते हैं, छोटा छोटा मनी प्लांट लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं, तो अच्छा होता है बच्चों के लिए। अपने एक तो मैसेज भी जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी प्लांट वगैरह लगाना है, इस तरह का मैसेज भी जाता है, और बच्चे प्लांट के प्रति जागरूक हो जाते हैं। ये अच्छी चीज़ है, अगर बच्चे अपने अपने घर में ज़रा सा कोई प्लांट लगाते हैं या अपने टेबल पर एक प्लांट के लिए कुछ लगाते हैं तो अच्छी चीज़ है। ये देखिए मैंने पूरे में लगा दिया इस तरह से, आप चाहे तो इसे पूरा पूरा दबा सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको डेमो दिखाया है कि इस तरह से प्लांट की लुक बदल जाती है। अब मैंने इसके ऊपर जो प्लेन प्लेन है उनके ऊपर मैंने थोड़ा सा लाइट कलर का, ग्रीन कलर का एक एक स्टोन लगा दिया ताकि थोड़ी उसकी लुक और भी चमकदार हो जाए, सुंदर हो जाए, अच्छी हो जाए। देखिए बच्चों को, आँखों को बहुत सुंदर लगती है, उनकी टेबल पर पड़ा हो तो बहुत सुंदर लगता है लुक। चाहे तो हम इसे पूरा भी दबा सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको डेमो करके दिखाया है, हम चाहे तो इसे पूरा भी दबा सकते हैं, इस तरह से ये पूरा दब जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए इस तरह से आप पूरा इसे दबा सकते हैं, इस तरह से पूरा आप तीनों तरफ लगा दें ग्लू, और इस तरह से आप इसे दबा सकते हैं। आपने पूरा दबा के ही लगाना है बच्चों के रूम में, देखिए इस तरह से पूरा दबा के लगाना है आराम से। आप जब ग्लू ज़्यादा गर्म हो तभी करिएगा, क्योंकि जब ग्लू गर्म होती है तब उसकी धागे नहीं निकलते। इस तरह से ये बंद हो जाएगा, देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरा बंद हो जाएगा, बहुत सुंदर लुक आएगी इसकी। देखिए ये इस तरह से बंद हो गया, किनारे किनारे जहाँ भी आपको लगता है वहाँ आप ग्लू लगा कर इसे बंद कर सकते हैं। ये देखिए कुछ पीस मैंने पूरे बंद कर दिए, आप देख सकते हैं उनकी लुक ही बदल गई है एकदम। आप भी इस तरह से कर सकते हैं पूरा, देखिए पूरी लुक बदल गई उनकी, पूरे आप दबा सकते हैं अच्छी तरह से, पूरा उसके साथ चिपक सकता है, बहुत सुंदर बना है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। अब मैं आपको दूसरा करके दिखाती हूँ, ये मेरे पास स्टिकर की फॉर्म में है ट्री, ये लीव्स ही और ये ट्री है, तो मैंने ये रेड कलर का लिया है, इसका स्टिकर उतारूंगी मैं इस तरह से, उतार के मैं इसे यहाँ इस तरह से चिपका दूंगी। दोनों तरह से मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब इसके बाद मैंने येलो लगाया, इसके बाद मैं ग्रीन लगा दूंगी, आपकी मर्जी, आप चाहे एक कलर का भी लगा सकते हैं, एक कलर के भी हैं मेरे पास, आप चाहे तो एक कलर का भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग कलर का भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने लगा दिया थोड़ी दूरी पर इस तरह से, फिर मैंने इसके बाद ब्लू लगा दिया, फिर एक बार फिर इसके बाद येलो लगा सकते हैं। ये देखिए, पर इसकी ऊंचाई लंबाई आप चाहे जैसे मर्जी रख सकते हैं, मैंने एक ही उसमें रखी है बेस में, आप चाहे तो इसको लंबाई ऊंचाई ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जिधर चाहे उधर लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने फिर से लगा दिया ब्लू इस तरह से, और बीच में फिर एक येलो लगाई हुआ है, आप चाहे तो सारे येलो भी लगा सकते हैं, इनको लगाना बड़ा आसान होता है क्योंकि आपने स्टिकर उतारना है और चिपका देना है, और उसमें ग्लू लगानी पड़ती है, बस इतना ही फर्क है। तो आप इस तरह से ये देख सकते हैं, ये देखिए
ये पूरा चिपक जाते हैं, इनकी लुक देखिए कितनी सुंदर हो जाती है, पूरा ही बदल जाती है लुक। इसको भी देखिए कितना सुंदर लुक आई है इसकी, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गए। तो आप भी इसी तरह से कुछ ट्राई कीजिएगा। ये प्लेन थे और मैंने ट्री की थीम ली है, ट्री की थीम थी ये। गुड लक।